हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मेरी तरह सब स्वस्थ और मस्त भी होंगे। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बस मेरा मन था आज अच्छे से रेडी होने का, कुछ मेकअप सेकअप करने का, तो इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छे से रेडी हो रही हूँ। और आज हमने किया है पिज्ज़ा ऑर्डर जो अभी आने वाला है, तो मैंने सोचा कुछ वीडियो बनाऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा सा मेकअप सेकअप मार लूँ। बट मेरे घर की कुछ लाइट इस टाइम ख़राब हो गई हैं, तो मैं बहुत काली काली सी लग रही हूँ उसमें। बट इतनी काली मैं हूँ नहीं। तो मैंने अपने बाल कंघी कर लिए हैं और लिपस्टिक वगैरह भी लगा ली है, और मेरे पास बिंदी थी नहीं और मेरा मन था बिंदी भी लगाने का, तो मेरे पास एक नेल पेंट रखी थी पिंक, बट वो भी सूख चुकी थी, वो भी खुल नहीं रही थी, तो मैंने उसको अपने दांतों से खोला और ये मैं बिंदी लगाने जा रही हूँ। बिंदी लगाने के बाद मैं खाऊंगी पिज्ज़ा, मेरा आने वाला है। और उधर सालू अपने मेकअप में लगी हैं। सालू बोल रही थी मैं तो इंस्टा रील बनाऊंगी, तो वो अपनी कोई नई कुर्ती लाई है जो आज ट्राई कर रही हैं। तो मैंने बिंदी लगा ली और मेरी बिंदी थोड़ी सी फैल भी गई थी, अब मैं बिंदी भी ला के रखूँगी अपने लिए। ये देखिए कैसी लगी है, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, नज़र न लगे मुझे दुश्मनों की मेरे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ सालू भी तैयार हो रही हैं। सालू किस लिए रेडी हो रही हूँ? पिज्जा तो मैंने घर पे ऑर्डर किया है, फिर इतना ताम झाम किस लिए? तो अभी होली मिलने जाएंगे ना गांव में। अच्छा हाँ, अब तो कोई नहीं गांव में जाता, तुम कैसे जाओगी? कोई नहीं जाता तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी। अच्छी लग रही है कुर्ती तुम्हारी। हाँ, इसके बाद हमको दे देना, ठीक? हम भी एक वीडियो इस सूट में बनाएंगे। तो भाई कॉल आ गई है, पिज्ज़ा आने वाला है, कुछ ही दूर पे है, और सालू तुम जाओगी पिज्ज़ा लेने, और ये ले आई हूँ मैं पैसे। मैं ऐसे बन के नहीं लेने जा सकती, तुमको ही जाना पड़ेगा, अगर खाना है तो जाना पड़ेगा। खाऊंगी पर लाऊंगी नहीं। चली जाना। ये लखनऊ से लाई थी कुर्ती? लूलू मॉल से। लूलू मॉल, अच्छी लग रही। चूड़ी तो मेरी है। मेरी नहीं, मेरी चूड़ी है, ये मेरी छोटी लेके चली गई। अच्छा चलो, अच्छा पिज्जा लेके आते फिर। तो यहीं पे आएगा ना, गेट पे भी ले लेंगे। ठीक है भाई, हम लोग इतना रेडी सेडी होके बैठे हैं किस लिए? पिज्जा खाने के लिए। ये देखिए, और मेरा कलर अभी नहीं छूटा हुआ है। कलर तो मेरा भी, और मेरे सिर में बहुत सारा कलर सब लोगों ने डाला था, और बहुत खुजली, आज सिर बहुत खुजली कर रहा है। और तो पिज्जा कौन से, दो ही तीन लोग खाने वाले हैं, तो मैंने कम ही किया है, चलो दो पिज्जा ऑर्डर किया बस। तो गाइस पिज्जा आ जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पिज्जा मैंने ऑर्डर किया, कौन किसका फेवरेट है। सालू का कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, बट मैंने वो किया नहीं है। क्यों नहीं किए वो? मुझे आज बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, पता है सालू, धूप है नहीं और हवा भी अच्छी चल रही। चलना है बाहर? चलेंगे। पर ये मेरी बिंदी थोड़ी सी फैल गई है यार, काजल नहीं है? हम भी लगा ले थोड़ा, इसी में है, तो मैं भी थोड़ा काजल साजल लगा के फिर मिलती हूँ। ता जा रही हूँ पिज्जा लेने के लिए। बुला लो जिसको खाना है, के तो आरती नहीं आएंगी तो क्या यहीं बुला ले। अंदर तो आओ। 250 भैया, और ये लो थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा, चिली फ्लेक्स भी। Yeah.
तो गाइस ये मेरा पिज्जा आ चुका है और मैंने भैया से इतना सारा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो फ्री में मांगा है। और ये मैं हर बार काम करती हूँ क्योंकि ये जब मैं पनीर पराठे बनाती हूँ तो उसमें काम आता है और मुझे लाना नहीं पड़ता है मार्केट से। तो ये हो गया और भी इसमें मिले, ये देखिए एक मिनट, ये कौन सा यार, मैं तो पनीर वाला की थी, देख तो रही पनीर, इसमें पनीर तो बहुत बड़े कंजूसी करने लगे डोमिनोज़। हाँ तो सारी महंगाई पिज्जा पे दिखाएं। और ये देखो ये अच्छा, मेरा फेवरेट ये है। तो चलो हम इसमें क्या करते हैं, और ये मैंने यहीं से दो बॉटल स्प्राइट मंगाई थी, बट वो मिला नहीं। लग रहा है मुझे 10 रुपए की 10 रुपए की मिली है, 10 की 1 है वैसे। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉस डालती हूँ। आज बेचारी लाडो पार्थ है नहीं घर पे, कहेंगे सालू ये क्या चीज है इसमें, ये देखो यार, हम डर गए थे उस दिन कि कोई ये चिकन कन तो नहीं है उसके कुछ। डरो ना, खा लो, उसमें पता नहीं चलेगा। हाँ पता नहीं चलेगा, बड़ा मन कर रहा जल्दी से खाना स्टार्ट कर दे यार। इसमें वो भी पड़ा है ना कॉर्न, तुम कह रही थी ना इसमें सब कुछ है, ये सही है यार, गिर जाओ। मैं सारा मटेरियल अपने वाले पे रख लूं, जो तुमको नहीं खाना वो वाला मुझे सब खाना है। बस करूं। तो गाइस पिज्जा खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कुछ बाहर थोड़ा वॉक कर लेते, और बाहर निकले। आप देख सकते हैं ये वहाँ से लोग घूम रहे हैं और ये काटने में बहुत तेज हैं, दौड़ा के काटते हैं। मेरी मम्मी को भी काट चुके हैं और मेरे मोहल्ले में 2-3 लोग को काट चुके हैं। तो इनको देख के फिर हम तो वापस अंदर आने की सोच लिए कि टहलना वॉक करना सब बेकार है, कहीं काट वाट लिए तो फिर बेवजह के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, और इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है। ये वाला सबसे काटने में तेज है, इसी ने ये देखो अपने बच्चे को पटक के मारने की कोशिश कर रहा था, बट बच गया इसका बच्चा, नहीं अच्छा ये दूसरे का बच्चा था।